नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। एक तस्वीर दिखा रहा हूं बीजेपी दफ्तर की। देखिए, यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार जेपी नड्डा पटना में पहुंचे हुए हैं। उनका भव्य स्वागत किया गया पटना एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी दफ्तर तक। और अभी यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा है जहाँ पर मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। यहाँ पर वंदे मातरम के साथ सभा की शुरुआत हुई है और बीजेपी के तमाम पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ पर जमा हैं। तो काफ़ी उत्साह है जेपी नड्डा के बिहार आने से, और माना जा रहा है कि जेपी नड्डा बिहार खास मकसद से आए हैं। ये चुनावी साल है, चुनाव अभियान की शुरुआत करने आए हैं। तो इस मंच से जेपी नड्डा बीजेपी के 10-11 जिलों में जो दफ्तर बने हैं, हाईटेक दफ्तर, उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे और इसके बाद पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो माना जा रहा है कि जो बैठक होगी उसमें जेपी नड्डा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने के मंत्र देंगे। तो ये जो दौरा है जेपी नड्डा का काफ़ी अहमियत रखता है। ये चुनावी दौरा है और माना जा रहा है कि आज से बीजेपी चुनावी अभियान का श्री गणेश कर रही है। सबसे खास बात यह है कि आज ही जेपी नड्डा यहां पर पहुंचे हैं और आज ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है और कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिलेंगे, सीट शेयरिंग पर भी बात करेंगे। तो सीट शेयरिंग पर क्या स्टैंड लेना है इसको समझने के लिए, इस पर विचार करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। तो आज का दिन बिहार की राजनीति के लिए बहुत खास है, बहुत अहम है, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली में बीजेपी की जो हार हुई है, झारखंड में जो बीजेपी की हार हुई है, उसके बाद बीजेपी के ऊपर नीतीश कुमार का अपहरण हो गया है। यानी नीतीश कुमार को दबाव में लेने की कोशिश कर रही बीजेपी अब पीछे हटती हुई दिख रही है, नीतीश कुमार का अपहरण दिख रहा है। तो ऐसे में क्या बीजेपी अपनी वो मांग मनवा पाएगी नीतीश कुमार से बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने की? क्योंकि बीजेपी के नेता लोकसभा चुनाव के बाद लगातार सवाल उठा रहे थे कि दोनों दल बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जिस तरह से लोकसभा चुनाव लड़ा था। लेकिन जेडीयू को ये कतई मंजूर नहीं था और प्रशांत किशोर ने इसको लेकर बड़ा मुद्दा भी बनाया था। तो आज की जो बैठक होगी बीजेपी के पार्टी पदाधिकारियों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष की, उसमें फैसला होगा कि क्या फार्मूला होगा चुनाव में सीटों के बंटवारे का। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जेपी नड्डा मिलकर उस फार्मूले पर बातचीत भी करेंगे। हालांकि चुनाव में अभी 9 महीने की देर है, इसलिए अभी कुछ ऐलान तो नहीं होगा, लेकिन आज एक रेखा, एक खाका तो जरूर खिंच जाएगा कि चुनाव में कौन दल कितनी सीटों पर लड़ेगा, कहां कहां किसको तैयारी करनी है। वैसे चुनाव तो दोनों दलों को लड़ना है, साथ लड़ना है, तो हर सीट पर तैयारी होनी चाहिए, तभी एक दूसरे की जीत ये सुनिश्चित कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या बराबर बराबर सीटों पर चुनाव बीजेपी जेडीयू लड़ेगा या नीतीश कुमार हमेशा की तरह बड़े भाई की भूमिका में होंगे। देखिए तस्वीर है ये मंच की, बीजेपी दफ्तर में जो ये मंच सजा हुआ है, जेपी नड्डा का स्वागत की ये तस्वीर है। जेपी नड्डा के आने से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं काफ़ी उत्साहित हैं, लेकिन इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि नीतीश कुमार के बगैर चुनाव लड़ने की बीजेपी अभी बिहार में सोच नहीं सकती है, इसलिए नीतीश कुमार को नाराज करने की जोखिम भी नहीं उठा पाएगी। आज जेपी नड्डा की जो बैठक होगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ, उसके बाद बीजेपी के नेताओं के बयान में क्या तब्दीली आती है, उनके स्टैंड में क्या बदलाव आता है, वो देखने वाली बात होगी। और उसी को देखकर अंदाजा लगाया जा सकेगा कि जेडीयू क्या हमेशा की तरह इस बार भी विधानसभा चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में होगा या बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगा। आपको ये तस्वीर अच्छी लगे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे आगे भी बनाए रखिएगा।